कृष्णपाल गुर्जर को पहले दिखाए काले झंडे, अब निकली शव यात्रा। हजारों ग्रामीणों ने दिखाया विरोध का अनोखा प्रदर्शन, पहले निकाली शव यात्रा फिर लगाई आग। नाराजगी इस तरह ग्रामीणों ने निकाल दी कृष्णपाल गुर्जर की शव यात्रा। चुनाव का बिगुल बज गया है, नेताओं का स्वागत समारोह और जनसंपर्क अभियान तेज हो जाता है। इसी के साथ जहां उनके सम्मान में कार्यक्रम किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोधी नेताओं का विरोध देखने के लिए अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऐसे में लोग कहीं अपने नेताओं से खुश हैं तो कहीं भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। एक ऐसा ही मामला दो दिन पहले फरीदाबाद के डबुआ इलाके में देखने को मिला, जहां स्वागत समारोह में पहुंचे लोकसभा बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर को स्थानीय लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया था। और आज फिर फरीदाबाद के मोहनान इलाके में कृष्णपाल गुर्जर की शव यात्रा निकाल कर दहन किया गया। इस प्रदर्शन को कर रहे ईश्वर नंबरदार ने बताया कि ग्रीन एक्सप्रेस वे पर कट की मांग को लेकर वो लोग 5 महीने से ज्यादा समय से धरने पर बैठे हुए हैं। बीते 2022 को पनेरा में मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर ग्रामीणों ने मोहना के पास ग्रीन एक्सप्रेस वे पर कट दिए जाने की मांग की थी। इस मांग का पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समर्थन करते हुए आश्वासन दिया था कि मोहना के पास उतार चढ़ाव के लिए ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कट दिया जाएगा, लेकिन इस कट की मांग को लेकर वो इलाके के विधायक और मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन सभी की तरफ से केवल आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को लेकर 3 बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिल चुके हैं, वो भी उन्होंने आश्वासन ही दिया था, लेकिन काम को अमली जामा आज तक नहीं पहनाया गया। हाल ही में वो लोग कृष्णपाल गुर्जर से भी उनके आवास पर जाकर मिले थे। उन्होंने कहा था कि आचार संहिता लगने से पहले समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का किसी भी जनप्रतिनिधि ने समाधान नहीं किया। इसी का विरोध करते हुए आसपास के गांव के लोग एकत्रित हुए और कृष्णपाल गुर्जर को दिए गए झूठे आश्वासन के विरोध में कृष्णपाल गुर्जर के पुतले की शव यात्रा निकाल दी गई। मोहना बस स्टैंड के पास पुतला दहन किया गया और वहीं ईश्वर नंबरदार ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन में 50 गांव के लोग शामिल रहे। 50 गांव के लोग कृष्णपाल गुर्जर का विरोध कर रहे हैं, तो देखा आपने किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी प्रत्याशी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब यही विरोध के सुर कहीं आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत न बन जाए, इसी विरोध को रोकने के लिए पार्टी हाईकमान को भी कोई न कोई हल निकालना होगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सर्वोदय टीवी के साथ संजीव राठौड़ की रिपोर्ट।